का माहौल क्या था जब ये एक कॉम्प्लेक्स मिशन को आपने अचीव कर? ये तो एक बहुत बहुत बढ़िया कॉम्प्लेक्स मिशन था। इसमें यही बात है कि हमको एक वेरी प्रिसाइसली करना है, हमको जो वेलोसिटी देना है, स्पीड देना है, तो कुछ तो कमी है, कुछ 31 मीटर्स पर सेकंड है, तो इतना सा छोटा सा वेलोसिटी है। इफ इट्स नॉट करेक्ट, वह ये L1 से कहीं दूर जाएंगे, सूर्य से भी दूर जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे, फिर भी हमने एक बोलता है कि ऐसे जाएंगे। सो इसके करेक्शन, इसका मेजरमेंट इस तरह अच्छी तरह होना चाहिए। हमारे ग्राउंड स्टेशन से हमको यही अच्छी तरह मेजर कर सका, और अब इंस्ट्रूमेंट से ऑन बोर्ड में जो गायरोस है, एक्सेलरोमीटर्स है, सभी अच्छी तरह काम किए, और एल्गोरिदम भी अच्छा है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये कैसे कैलकुलेट करूँ, यही भी अच्छी तरह इसी समय हमको कर सका। सो इसलिए हमारा रिजल्ट अच्छा होना ही चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय साइंटिफिक कम्युनिटी से हमें डिस्कशन हो रही है, चर्चा हो रही है, ये डाटा उनको भी जाए के पास भी जाएंगे। हमारे दो हाईएस्ट डीसी है और साइंटिफिक डाटा सेंटर है, वहाँ से ये डाटा उनको भी मिलेंगे। ये अनस्टेबल पॉइंट नहीं है, स्टेबल पॉइंट भी है, बट तो इसमें पर्टर्बेशन होते रहते हैं, तो इसलिए हमने कुछ तो कुछ प्रोपेलेंट तो कंसम्पशन होगा। हमारा तो एस्टिमेट है एक साल में 6 किलो प्रोपेलेंट का कंसम्पशन होने चाहिए। सो हमारे उपग्रह में अभी 100 किलोग्राम प्रोपेलेंट है, तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल से अधिक लाइफ होना ही चाहिए। सर, और आगे जो है आप किस तरह से रहेगा, खासतौर पर स्टडी की बात करें, जो क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर, मैग्नेटिक फील्ड, कोरोना वगैरह, उन सबको कैसे स्टडी किया जाएगा, इसके बाद का जो है क्या जर्नी रहेगा सर? सो इसमें यही है कि हमारे जो कोरोनल मास इजेक्शन होते हैं सन से, इसके में कोई आफ्टर इफेक्ट्स है, या आफ्टर इफेक्ट से पार्टिकल्स आते हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड में चेंज जो होते हैं, एक्सरे भी कम आउटपुट होते हैं, ये सभी को हमको मेजर करके एक सिस्टमैटिक इम्पैक्ट को हम मेजर करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक, सपोज हमको ये सिर्फ मैग्नेटिक मेजरमेंट से कि हम कोरिलेट करेंगे सीएमसी से आता है या नहीं। सो ऐसे 7 इंस्ट्रूमेंट्स है, ऐसे एक उपग्रह कभी भी नहीं मिला, कभी भी कंस्ट्रक्ट किया है, कभी भी नहीं लॉन्च किया है, यही उसका बहुत बढ़िया उपलब्धि है। कई हई मिशन होते ही रहते हैं, सोहो है ये कई साल के पहले हमारे अमेरिका से हुआ था वहाँ, उसके बाद ये होते रहते हैं। सो इसे कॉम्प्लीमेंट्री है, हमको ये मेजरमेंट के बारे में हम भी जानकारी है, हमारे इंस्ट्रूमेंट मोर ओवर अपडेटेड है सर। ये आई नो मुझे ऐसे नहीं कर सकते हैं, अपडेट के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा इंस्ट्रूमेंट तो बहुत अच्छा है, इसको मेजरमेंट को हमने जो टारगेट किया है उसे अचीव करेंगे। सर लास्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री हमेशा इसरो के साथ रहे, मोटिवेट करते रहे, ये मिशन के बाद प्रधानमंत्री आपने वो लिखा हुआ उनका ट्वीट, उसके ट्वीट में हमको कंग्रेचुलेट किया है, हमको यही आदेश दिया है कि हम जो आउटलाइन है, तो विजन जो आउटलाइन है उसके कर लीजिए, पूरा सपोर्ट देने के हम हमारे साथ ही रहते हैं। आज तो उन्हें हमको उनको होना ही चाहिए था, पर फिर उनके बहुत बढ़िया काम और भी है, इसी नहीं है स्पेस का भी नहीं। सो इसलिए हमने जो आशीर्वाद दो दिया है हमको, इतने बहुत खुश हुआ इसी के। हमने चांद हो गया, सूर्य हो गया, अगला क्या सर? और कई ग्रह ना हमको, वीनस है, मार्स है, जुपिटर है, नेपट्यून है, प्लूटो है, प्लूटो अभी भी है या नहीं? हम जो जाएंगे, हम तो एक प्लैनेट बनाएंगे, हम एक स्पेस स्टेशन बनाता हूँ, ये स्पेस स्टेशन होगा हमारा प्लैनेट, तो हम अभी जाके हमारा इंस्ट्रूमेंट शुरू हो चुका है, हमें अनाउंस करेंगे कैसे होते हैं, कैसे ड्राइंग होते हैं, ये सभी लोग इसमें ही जुड़ा है, चंद्रन है, राम नारायण है, उसे प्रोपल्शन के बारे में चर्चा हो रही है, ये तो रिव्यू अगले एक एक हफ्ते में होते रहते हैं।